जीटीए चुनाव को विरोध में दार्जिलिंग में गत 25 तारीख मईदि आमरण अनशन में बसेका गोजुमुमो अध्यक्ष विमल गुरुङलाई स्वास्थ्य को ख्याल राख्दै हिज दार्जिलिंग अस्पताल में लगिएको थियो भने आज उनलाई अझ राम्रो उपचार को लागि सिक्किम को एक अस्पताल में लगिएको छ। दार्जिलिंग जिला अस्पतालबाट उनलाई सिक्किम लगिरहेको समय गोजुमुमो केन्द्रीय सहसचिव प्रियवर्धन राईले पत्रकारहरूलाई जानकारी गराएका छन्। सिक्किम सोके जो सिक्किम एसटीएनएम हॉस्पिटल वहाँ पर लेके जा रहे हैं। अभी उनका अनशन भी क्या हुआ? अभी अनशन था, हम तो ब्रेक करके अब ले जा रहे हैं। सीवियर अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम तुरंत ले जा रहे हैं एसटीएनएम हॉस्पिटल।